इधर बीते दिनों गुना जिले में बस और डंपर की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस में भयंकर आग लग गई, जिसमें 13 यात्रियों की आग में झुलसकर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मृतक के परिवार से मुलाकात की, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी मृतक परिवार से मुलाकात की। लक्ष्मण सिंह ने बस मालिक सहित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए से ज्यादा सहायता राशि देने की मांग की। अस्पताल में यहाँ पूर्व विधायक कांग्रेस छाछा पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी आए हुए हैं। यहाँ जो कल रात को जो बड़ा हादसा हुआ है, जो गुना से आर्मी के लिए जो बच जा रही थी, वहाँ पे लगभग 13 जो भी अधिकारी आंकड़े आए, 13 उसमें चल रहे हैं। कई मासूम बच्चे भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और 16 घायल हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर जब आप घायलों से मिले तो आपने उनको क्या आश्वासन दिया और आप शासन से क्या मांग करते हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना है ये, और घायलों से मिला। उसमें एक 24 साल की बच्ची है सुनीता, उसका भी पता नहीं चल रहा है। उसकी माँ बच्ची है, अरुण की बच्ची है, और जो मृतक हैं उनके लिए राशि थोड़ी बढ़ाना चाहिए, और जो घायल हैं उनके लिए भी राशि बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो घायल हो गए वो काम नहीं कर पाएंगे, मजदूरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो अपना घर कैसे चलाएंगे। मृतक जो है वो 4 लाख से कुछ नहीं होगा, उसकी भी राशि बढ़ाना चाहिए। बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, बहुत ही गरीब लोग। कितनी मांग करते हैं? काफी बड़ी पर्याप्त घटना बता रहे हैं। उनके परिवार से पूछ के बड़ा जानना चाहेंगे, क्या इसमें परिवार से पूछ के बड़ा है प्रशासन की लापरवाही आप मानते हैं? अगर आरटीओ अगर संबंधित अगर सही समय पे अगर पिछले चेक कर रहे होते, बस की जो बताई जा रही है बीमा भी खत्म हो गया था, ये जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि हादसा टल सकता था बड़ा। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ दो बातें, कि ये जितनी दुर्घटनाएं होती हैं बस मालिक पे और डंपर मालिक या ट्रक मालिक पर, उन पर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो ड्राइवर को हो जाती है। दोनों ड्राइवर खत्म हो गए, किस पर कार्रवाई करो? बस मालिक से पूछो इस तरह की तुम्हारी गाड़ी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ गुना से संवाददाता राहुल चौरसिया जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। राहुल, जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ है गुना में, 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है, क्या कुछ वहां का दृश्य है, क्या कुछ घटना जिस तरीके से हुई है, क्या जानकारी इस पे है आपको? जी, काफी एक हिसाब से देखा जाए तो काफी दुखद समाचार है। 27 दिसंबर की रात को 8:30 बजे गुना से जो अरुण बस जाती है, शिखरवार जो बस है, जो निजी बस है, वो जा रही थी जहाँ बजरंगड़ थाना अंतर्गत जो दुआई मंदिर है वहां पे बस एक डंपर से टकरा गई, जो जानकारी मिली सूत्रों के हिसाब से। और उसके बाद में बस अचानक से पलट गई, जहाँ उसमें बस में काफी सवारी थी, जिसमें 13 सवारी जलकर खाक हो गई। या 1 घंटे बाद प्रशासन मदद के लिए पहुंचा है, जहाँ 1 घंटे तक बस जलती रही और चीख पुकार की आवाज आती रही। जो बस में से जो अन्य जो यात्री जैसे तैसे जान बचा के बाहर निकले हैं, उनके द्वारा बताया गया रात को कि भीषण इतनी बड़ी ये घटना है, और इतना एकदम से जो घटना हुई है, इसमें वो तक एकदम से घबरा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे कैमरे के सामने, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा करी मृतकों के परिवारों को, और जो घायल उनको 50-50 हजार रुपए रात को ही उन्होंने घोषणा करी थी। जिसके बाद सुबह 11 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री मोहन यादव गुना आए, यहाँ उन्होंने अस्पताल में आकर मृतकों के परिवारों से बात की, चर्चा की, उसके बाद घायलों से मुलाकात की। पर मीडिया से एक हिसाब से देखा जाए तो दूरी सी बना के रखी गई, जहां एरोड्रम पे मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया गया, जहां गुना अस्पताल में ही मीडिया मौजूद थी। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार और जिनकी मृत्यु हुई उन्हें 4-4 लाख देने की सहायता राशि बात की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो जो मृतक है उनकी जो सहायता राशि है वो बढ़ा दी जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पूर्व जो विधायक हैं गुना जिले के चाचोड़ा विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मण सिंह जी, ने मुख्यमंत्री जी के आने से 10 मिनट पहले ही गुना में जो मृतक परिवार हैं और जो घायल उनसे मुलाकात कर मीडिया के सामने ये बात बोली थी कि जो मृतक है उनको 4-4 लाख रुपए से बढ़ा करके सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा उनको और सहायता राशि दी जाना चाहिए, साथ ही 50-50 हजार रुपए जो घायल है उनको बढ़ा करके इसकी मुआवजा राशि
गाड़ी और दी जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया था, ये जो दोनों ड्राइवर थे जो बताए जा रहे हैं जो बस के और डंपर के, वो दोनों ही घटना में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई किस पे होगी? क्या मालिक पे कार्रवाई होगी? जहां तक जानकारी निकल के सामने आ रही है वहां बस की फिटनेस भी नहीं थी, जो जानकारी मिल रही है बस का बीमा भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में गुना आरटीओ ने कैसे बस को परमिट दिया, कैसे बस चल रही थी, चूंकि बस 15 वर्ष पूरे हो चुके थे, ये भी एक बड़ा मामला है। और एक जानकारी और मिल रही है मुझे, रफ्तार मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना में आरटीओ को, जो गुना रवि आरटीओ है उनको और जो नगरपालिका सीएमओ है उनको सस्पेंड भी किया है, उनको उनके ऊपर सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। जो जो सीएम जो सीएमओ है बीडी कटोरिया उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो गुना आरटीओ उनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका इस खबर पे विशेष जानकारी देने के लिए।